हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम कॉलेज काफ़ी दिनों बाद आए थे और आगे पता चला कि आज एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि तो दोस्तों एग्ज़ाम तो आज थे नहीं, तो हमने सोचा जो ये जा रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में ई रिक्शा चलाने के लिए ज्ञापन देने के लिए, तो इनके साथ चलते हैं और इसी का आज पूरा ब्लॉग बनाते हैं। तो चलते हैं इनके साथ और मिलते हैं आपको वहीं पर। हम वो ई रिक्शा चालू कर देंगे, लेकिन आज उस बात को भी 10 दिन 20 दिन होने, अभी तक इस ई रिक्शा चालू नहीं है। इनका बस एक ही वो क्या कहते हैं देता है कि एक्सक्यूज कि हम रिक्शा तो चालू करते पर हमको ड्राइवर नहीं मिल रहा है। इस मोहनलाल सुगड़े विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, एक इनके एक दिन का अगर ज्ञापन, एक दिन अगर बीसी सर का ड्राइवर गायब हो जाए ना, तो सर को पता चल जाए कि कितनी समस्या रहती है। दो इनको ड्राइवर नहीं मिल रहे, खाली दो ई रिक्शा इन्होंने चालू करी है। दो ई रिक्शा में 2 महीने हो गए आज तक, अभी तक इतना टाइम हो गया, 4-5 ज्ञापन देने के बाद भी इनको 2 ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। ड्राइवर की बात छोड़ गई कि हमारी बैटरी चार्ज करने का हमारे पास जगह नहीं है, हम बैटरी चार्ज नहीं कर पाते ई रिक्शा को। और दूसरा हमारा ज्ञापन इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन। काम होना चाहिए सर, अपने नगर निगम को लेटर लिखा है उसके बारे में। नगर निगम
जा रहे हैं नहीं तो यदि कोई इस पे डाइट करके काम मान लो 17 को जा रहे हैं ना उसपे अपन कहेंगे आप कोशिश करो हम नगर निगम भी और हम दे रहे हैं ज्ञापन वहाँ पे भी हाँ सुनो ये तो आपके प्रयास पूरा आप पे नहीं डाल रहा नहीं आप मेरी बात सुनने भी जाऊंगा नहीं आप मेरी अगर आप लोगों को लिख के दे दो क्या हम तो नहीं करा सकते कुछ तो भी जा रहा हूँ तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।